जय श्री राम, जय गौ माता की। शाम का समय हो गया है, सभी गाय माता थोड़ी व्याकुल थी, तो चारे का प्रबंध किया जा रहा है, सानी की जा रही है। देखिए, इस प्रकार से सभी खोर भर दिए गए हैं, अब पूर्णतः चारे की तैयारी हो जा रही है। देखिए, हरा चारा मिलाया जा रहा है सभी गैया। देखिए कितने प्रेम से प्रसाद पा रही हैं। रुक जाओ, हटो। जय श्री राम। ओम नमो नमः नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए, कलयुग में यही सेवा सर्वोत्तम है। सभी से अनुरोध है, गाय माता ये पूर्णतः हरा चारा है, भूसा है, पौष्टिक आहार है। सभी गैया मैया इसी प्रकार से भोजन प्रतिदिन ग्रहण करती हैं और स्वस्थ होकर यहाँ से प्रस्थान करती हैं। तीसरा खोर भरा जा रहा है हरे चारे से। उत्तम क्वालिटी, उत्तम हर चीज़ का हम प्रबंध करते हैं यहाँ पर, ताकि गौ माता पूर्णतः स्वस्थ हो सके, क्योंकि ये ऐसी गौ माता होती हैं जिनको अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए होता है, तभी ये ठीक हो पाती हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि गौ माताओं की दुर्गति ना हो, उनकी सदगति हो। अब चारा कर दिया है और ये देखिए गैया मैया वो बैठी हुई है जिसका एक फूल बाहर था। पहले से तो बहुत ठीक है लेकिन थोड़ी ढीली है, मतलब कि फीवर भी है। थोड़ा राम जी चारा कर दिया है, इस गैया मैया का फूल बाहर था और मेडिसिन दवाई जो भी हुआ वो सब करी है और अब आराम से बैठी है। चारा इसने ले लिया है सुबह का तो, और शाम का कर रही है। और एक गैया मैया यहाँ पर है, देख सको सारी गैया है। और देखो इसका पलस्तर लगा हुआ है, बहुत ही भयंकर पैर था इसका। और ये देखिए ये बड़ी ही बिपता में है गैया मैया, बड़ी ही बिपता में है। मतलब हर चीज का इलाज कर लिया लेकिन इसका हमें कोई रोग का पता नहीं लग पाया। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिया। अब इसको जबरदस्ती चारा खिलाते हैं, जबरदस्ती पानी पिलाते हैं। बड़े दुख और बड़े ही संकट में है गैया मैया और पैर मार रही है बहुत जबरदस्त। देखिए देखिए किस तरीके से। ओहो प्रभु, या तो इसकी सांसें पूरी कर ले प्रभु, इतना वह तड़पा। ऐसा इतने क्या पाप क्या गुनाह कर दिया जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हो गौ माता को। देखिए कितना प्यारा है, देख सकते हो। देखिए देखिए, हाय आई लव, जय गौ माता की, ओम नमो। देखिए इसका बच्चा है, बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही सुशील बच्ची है। जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी, जय श्री। कितना प्यारा है, देख सकते हो। देखिए देखिए, हाय आई लव, जय गौ माता की,